भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 3 दिन तक शिमला में हुई भाजपा के विभिन्न मोर्चों की बैठक में सरकार और संगठन के आगामी कार्यों को लेकर रणनीति तैयार की गई है और कोविड में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी वर्ष होने वाले नगर निगम शिमला के चुनावों, उपचुनावों और मिशन रिपीट को लेकर रणनीति तैयार की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बैठक में पार्टी शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं से आगामी पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा चुनावों के सभी प्रत्याशियों व विधायकों से 3.5 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया। पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाएगी और आने वाले उपचुनावों और शिमला नगर निगम के चुनावों में भी किस तरह से जीत दर्ज करेगी, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। शिमला से PLTV के लिए पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।